जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा के इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण केंद्र पर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएँ मौजूद हैं और काफ़ी आक्रोशित होती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि विषय क्या है ये इन्हीं से हम जानते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जहां तक हमें ज्ञात हुआ है 16 तारीख से ये महिलाएं यहां पर आ रही हैं मोबाइल लेने के लिए। इनको 16 तारीख को मोबाइल लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज 18 तारीख हो गई है, इसके बावजूद इनको मोबाइल नहीं दिया गया, जबकि इन्हें बताया गया था कि 16 तारीख को इन्हें यहाँ आना था, लेकिन 16 को अवकाश घोषित किया गया था, 17 को रविवार था और आज 18 को ये सारी महिलाएँ यहाँ पर आई, तो आज भी इन्हें मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, तो ये सारी महिलाएं आक्रोशित हो उठी हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं होती हैं और यहाँ पर जो वितरण केंद्र बनाया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था भी काफ़ी प्रभावित हो रही है, फिर भी ये सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और आक्रोशित होती नज़र आ रही हैं। तो विषय क्या है एक बार जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। हो नाम है तुम्हारा? हाँ केसर। कई कहे गाम ना हो? खड़क दो। आज तमे मोबाइल लेवा वे होय? हां। तो कई दाड़े हादियो तू तमने? 16 तारीख की। बस आज आवे तो हूं क्यों तमने? ना कई खड़क दे वाला नंबर नहीं है। 16 तारीख तमे आवे तो? 16 तारीख आइयो पास हो जियो। आवे सब आइयो। हां सब आइयो। 16 तारीख को आपको बता दें ये महिला वास्तव में आई थी और यहां पर शनिवार का अवकाश घोषित किया गया था, इस वजह से वापस गई थी। अब क्या कह रहे हैं? हां आबार हूं कह रहे हैं तमने? आबड़ा आबार हम कह रहे हैं कि नहीं तमारा नंबर नहीं था, हमारा खड़क दे वाला नंबर नहीं है। कारे आवेगा नंबर एम कहीं? ना कहीं तमार नंबर नहीं है। तमार नंबर है इसने एम कहीं? हाँ। अभी नहीं है, उनका समय अभी हुआ नहीं, ऐसा बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? कांताबेन दर्जी। कांताबेन खड़क दाना सो? खड़क दाना सो। हूँ त्यो हमारा त्यो हमारे कम विधवा आप फोन नंबर फोन चार दर्शन रख रखने था के साहब तो जी आए आए आज ना कही दिए हमार ना अभी ने परसों शुक्रवार आई वो शनिवार आई वो रही कल रही वो छुट्टी होती ना की दू तो सोमवार आज आज फिर आई वो आज भी ना कही दिया मतलब चार पांच दाड़ देखी तो मैं अभी रही हूँ। हाँ चार पांच दाड़ जा रही है। ग्राउंड में की तो ग्राउंड में उबर या ग्राउंड में दिया गया ही सारे साथ आये ना कर लाते उसने और उनके हूँ लावा रोज यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी आई हुई हैं। लड़कियाँ हैं इधर हो? पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? बारहवीं। बारहवीं? बारहवीं मतलब बोर्ड का एग्जाम दे रही है बच्ची। कितने दिनों से आ रहे हो यहाँ पर? चार दिन से। कौन से गांव के हो? खड़कदा से। खड़कदा के? चार दिन से आ रहा है। अभी क्या बताया? अभी नहीं मिलेगा ऐसा बोल रही थी। कब मिलेगा ये बोल रहे हैं? नहीं मिलेगा खड़कदा वालों को ऐसा बोल रही थी वो। खड़कदा वालों को अभी नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं और ये बच्ची बारहवीं क्लास में पढ़ती है। ऐसी की ऐसी कई बच्चियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, कई माताएँ बहनें सभी यहाँ पर आई हुई हैं और मोबाइल लेने के लिए अपना समय बिगाड़कर ये आई हुई हैं और इन्हें बताया गया है कि अभी इनको मोबाइल नहीं मिलेगा। तो आखिर इन महिलाओं को क्या नाम है आपका? दुर्वा यादव। कहाँ से आए हो? खड़कदा से। खड़कदा से कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं ट्वेल्थ में हूँ। ट्वेल्थ में हूँ। तो क्या बोला यहाँ पर मोबाइल लेने आए? यहाँ पे हम आए तीन दिन से, हम अपनी स्कूल बिगाड़ कर आ रहे हैं और यहाँ पे हमें मना कर रहे हैं, मोबाइल आपकी लिस्ट नहीं है। 16 तारीख को आए थे यहाँ पर? हाँ आई थी। तो बुलाया कब था आपको? 16 तारीख को ही। 16 को? इसके बाद फिर कब आए वापस? मैं रविवार को भी आई थी, फिर कल भी वापस आए और आज भी आए। हाँ। मतलब ये तीन चार दिन से ट्वेल्थ क्लास में ये पढ़ रही है और तीन चार दिन से परेशान हो रही है। ऐसी कई बालिकाएं यहाँ पर हैं और भी देख सकते हैं आप ऊपर, ये सारी बालिकाएं और महिलाएं विधवा महिलाएं सारी यहाँ पर माताएं बहनें आई हुई हैं, काफ़ी परेशान हो रही हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकी व्यवस्था की जाए। हालांकि यहाँ पर जो प्रभारी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, एक बार उनसे मुलाकात करते हैं क्या विषय क्यों इन्हें से कुछ महिलाएँ माताएँ बहनें बच्चियाँ आई हुई हैं। उनका कहना ये है सर कि 16 तारीख को उन्हें बुलाया गया था, उनका लिस्ट में नाम है ऐसा बोल के बुलाया गया था। अभी सारी महिलाएं यहाँ पर आके आक्रोशित हो रही हैं, बोल रही हैं कि तीन चार दिन से उनको परेशान किया जा रहा है। तो उनकी क्या व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था के बारे में बताएं, उन्हें कब बुलाया जाएगा, खड़कदा का कब लिस्ट में नाम है, क्या है उसकी पूरी जानकारी। ठीक है, जो खड़कदा की जो पंचायत बुलाई गई थी सैटरडे को बुलाई गई थी। ठीक है, सैटरडे को गवर्नमेंट अस्टॉक नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट हॉलीडे था, कोई राजस्थान सरकार से पूरा मतलब आगे से अस्टॉक आया नहीं था, इसलिए उनको आगामी आदेश तक स्थगित किया था। इसी प्रकार से गुरुवार शुक्रवार को भी कराड़ा और करियाणा पंचायत के बुलाए थे, अस्टॉक नहीं था, इस वजह से भी मतलब उनका काम पूरा 100% वो पंचायत कवर नहीं हुई थी। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि जिसको फर्स्ट में बुलाया उसको वापस फर्स्ट में जैसे बुलाएं, जैसे आज कराड़ा और करियाणा के लोग रह गए थे उस दिन, तो उनको आज बुलाएं। अब खड़कदा सैटरडे को है, अब नेक्स्ट जैसे ये कराड़ा और करियाणा ख़त्म होती है
इसके बाद जो पंचायत है हमारे, इसके बाद झाकरी भी एग्रीन रह गया था, झाकरी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, काहेला भी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, पहले काहेला और झाकरी को बुलाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट फेज में खड़गदा को बुलाएंगे। अब वो आगामी आदेश कौन सी तारीख होती है वो जल्द हम सूचित कर देंगे। कहाँ पे सूचना मिलेगी भाई? कायदा हम, हमारे जो टीम है ग्राम स्तरीय, वीडियो साहब के मार्फत हम ग्राम स्तरीय टीम को सूचित करा रहे हैं। अब इनको खड़गदा के जो जो वंचित हैं इनको कौन कहेगा इस तारीख को आपको जाना है तभी है? ग्राम स्तरीय टीम, मतलब जैसे मेरे पास जो सूची आ रही है, मैं जितने भी मेरे स्थानीय अधिकारी महोदय हैं, वीडियो साहब हैं, SDM सर हैं, तहसीलदार मैडम हैं, उनको मैं सूची फॉरवर्ड करता हूँ और उनके मार्फत ग्राम स्तरीय टीम, हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, पटवारी साहिबान हैं हमारे, उनके मार्फत आम जन को सूचना मिलती है। सूचना मिले इससे पहले यहाँ पर नहीं नहीं आना है, बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया कि ग्राम स्तरीय जो उनकी टीम सूचना देगी तो यहाँ पर आए हैं, तो ये जो मोबाइल वितरण था ग्राम स्तरीय पंचायत स्तरीय भी हो सकता था, इतना बड़ा जो झमेला यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस तरह से ये महिलाएं यहाँ पर लंबी कतारें लगाकर परेशान होती हुई नज़र आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की जो ये योजना है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, पूरी की पूरी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी की प्रचार प्रसार की सामग्री नज़र आ रही है। नहीं तो ये अन्यथा देखा जाए तो ग्राम पंचायत स्तर पर वितरण हो सकता था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो योजना चलाई है और जिस तरह से यहाँ पर लोग परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में जवाब ये जनता ज़रूर देगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।